मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज नई दिन की शुरुआत नई ब्लॉग के साथ हो रही है मेरी। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ आज दीपक के स्कूल में मीटिंग है, तो आज वहाँ जा रहे हैं। तो सोचा थोड़ा सा आप लोगों से आज काफ़ी दिन के बाद थोड़ा बातचीत कर लूँ सीयर यहाँ से। तो अभी रास्ते में हैं, पैदल जा रही हूँ। आजकल मौसम बहुत बढ़िया सा हो रहा है और ठंडी सी हवा चल रही है, धूप भी लग रही है, साफ़ सुथरा मौसम हो रहा है, तो पैदल चलने में बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही जा रहे हैं पैदल पैदल, आगे मार्केट में पहुँच जाएंगे हल्दी चौड़ की, तो उसके बाद रोड क्रॉसिंग करके चले जाएंगे आगे। और दिखाते हैं आज की स्टोरी आप लोगों से, आज बने रहो मेरे साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे ट्रैक के सामने और यहाँ पे से चारों तरफ के ना रोड दिखाई देते हैं, ऊपर का, नीचे और इधर उधर चारों तरफ के रोड दिखाई देते हैं। ऐसे करके चारों तरफ दिखेगा, नीचे ट्रेन लाइन है, ऊपर भी ट्रेन लाइन का है, उधर रोड का है मेन रोड, इधर का हल्दी चौड़ का रोड है, बाकी यहाँ से बरेली वाली रोड है, दूसरी रोड आ जाती है। फिर यहाँ से थोड़ी सी सब्जी ठेले वेले मिलते हैं, तो फिर वगैरह ऑटो हटो यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके बाद रोड क्रॉस करके हम पार्क को चले जाते हैं। दोस्तों ये है कॉलेज और यहाँ पर आए हैं हम अभी पहुँचे हैं स्कूल में, और बाहर के गार्डन है ये, यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं बहुत सारे। मीटिंग हमारी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो अभी जा रहे हैं हम घर की ओर और बेटा भी आ रहा है पीछे से। तो धूप इस तरह वाली लगी है अभी, और थोड़ा सा अभी मार्केट लगी है थोड़ा काम, तो आगे फ़ोन की मेरी ना ये आगे का स्किन थोड़ा सा ख़राब जैसा हो रखा है, आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ, तो देखते हैं आगे मार्केट में। अभी हमारी मार्केट की काम भी हो गई है और मैं मार्केट में आई थी, तो एक शॉप में गई तो मुझे ना एक चीज़ पसंद आई है, मैं घर जाके बताऊँगी आप लोगों को, मैं ले कर आ गई हूँ अपने लिए। दोस्तों अभी हम मार्केट से आगे आ गए थे, ऊपर वाले मार्केट से, और मैं अभी जा रही हूँ मेरे दोस्त के साथ। दोस्त मतलब पड़ोसी, तो उनके साथ जा रही हूँ मैं यहाँ चक्की तक, तो मेरे भी कुछ सामान और लाना था, तो तब हम जा रहे हैं दोनों। मैं आ गई हूँ अभी मेरे साथ वाले के साथ, मैं गई थी नीचे वाली दुकान पे और मैं वहाँ से सामान ले आई, क्योंकि एक दो कॉपी लाने थे बेटे का तो लेके आई। तो आगे मैंने बोला था ऊपर जब मैं हल्दी चौड़ वाली मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं शॉप में गई थी मॉल में, एक सिया रानी वाली शॉप है, साड़ी सूट एंड पूरी सब कुछ मिलती है लेडीज़ सामान, तो पूरी मतलब जितने भी सिंगार के होते हैं या शॉपिंग वगैरह जो भी साड़ी से लेके पहनने का ज्वेलर्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ जाती रहती हूँ हर बार। तो इस बार मैं सोच रही थी ऐसी क्या क्या आ रखे हैं आजकल नया करके, तो गई दुकान में तो मुझे एक चीज़ पसंद आ गई थी, तो मैं वो लेके आई हूँ। ये मैंने वहाँ पे दुकान पे नहीं दिखाया, मैंने वहाँ पे गई हूँ करके, क्योंकि भीड़ हुआ था दिवाली की टाइम है ना, तो इसलिए वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं ये अपने लिए लेके आई हूँ। ये सिया रानी मॉल से लेके आई हूँ मैं अपने लिए। तो इसमें क्या है, ये जब मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अभी शादी के सीज़न आ ही रखे, तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग चल रही है हमारी, तो मुझे बहुत पसंद आ गया था, तो मैं ये अपने लिए लेके आई हूँ। और इसमें क्या है, जब ये मेरे लिए पूरी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी इसको, कि मैंने क्या लेके आई थी, मैंने ये क्या है इसमें जो लाई हूँ, तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को ज़रूर कि मैंने क्या लिया था वहाँ से। इसमें भी शॉपिंग की है, बट जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी इसकी बनाने का, जो इसमें भी फॉल होगा, ब्लाउज़ बनेगा, पूरी सब कुछ पूरी सेट तैयार हो जाएगी, तो मैं आपके सामने
इसको दिखाऊंगी और पहन के भी वैसे भी दिखा सकती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा करके सब शॉपिंग एक साथ करते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, तो सैंडल्स से लेके चूड़ी चूड़ा और बिंदी बहुत सारे चीज़ें हैं, सारे कुछ हैं, मतलब ये बहुत सारे हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ता है शादी में, तो बहुत जल्दी बताऊँगी मैं आपको। और तब तक इसको अभी मैं दिखाती नहीं हूँ, ऐसे रख देती हूँ, पॉली में है, तो जब ये कम्प्लीट तैयार हो जाएगी तो आपके सामने ज़रूर दिखाएंगे हम, और कैसा कलर है कैसा रंग है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज की ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, और तब तक के लिए बाय बाय।